सॉरी, मेरे से ना कान बड़ा हो गया। अबे कान है, कोई कानून थोड़ा ही है। तेरे को जमता है ना, तो ठीक है। ये सब क्या है? कहाँ थे पूरी रात? एक फोन नहीं कर सकते थे? बेटी के नहीं, छोटू के स्कूल की फी के लिए। जाओ अपने उसे रंडी के पास। पूरा 10 रुपये उधर ही 12 रुपये। कोई खाता खोलूं? देना चाहता? कौन सा? अनारसी, सादा, जर्दा? वही जो आप शिवा को देते हो, उसके खाते में लिख देना। कौन शिवा? देखो, कल रात को दिया तो था उसको पान, उसे तो पूछा नहीं आपने, अनारसी या सादा है? पैसे भी नहीं लिए थे उससे। ये शिवा, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं बस आपको यहाँ से हथकड़ियाँ पहना के घसीटता हुआ लेके जाऊँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, मेरे बॉस के पास। वो मेरी तरह बातें नहीं करता, वो मारता है। अस्पताल जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा आएगा लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने लोगों के बीच में, इतने मार्केट के बीच में तुमको जब घसीटता हुआ लेके जाऊँगा, बहुत बेइज्जती होगी, वो नहीं चाहिए। क्या सोचा ये तेरे मेरे बारे में? ये लगा था जरा। किसने दिया? अच्छा है ना? चुप! डागर भाई दिया हूँ। चाय गरम चाय। तेरी माँ की चाय। हाथ पर।
बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, मैं किसी से नाम नहीं पूछती हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारा भी नहीं पूछूंगी। क्राइम ब्रांच ये सब नहीं चलेगा। नहीं तो क्या करेगा, अंदर डालेगा क्या? मैंने पुकारो फोन किया था, तुम्हारे पापा को लगता है कि उनका घर तुम्हारे नर्स की जॉब से चलता है। तुम्हें पता है उनकी क्या हालत होगी जब उनके सामने असलियत आएगी? अगली बार शिव आएगा तो बताना। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी, कल रात को मैं आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गई थी। मिलता हूँ। आदि, तुम्हें तो बस चोटी लगती रहती है। यहाँ आने के लिए कुछ भी। तुम गई थी ना? प्रीस्ट ने बताया। अभी तुमने बताया। अनु, मैं एक पुलिस वाला हूँ। एंड द ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। इतनी बकवास करते हो तुम, बिल्कुल नहीं बदले। हाँ मैं गई थी वहाँ, लाइक अ स्टूपिड टीनेजर। मैंने तुम पे फिर से भरोसा किया।